नमस्कार, आरपीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुपेश दवाने। पार्टी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सीएमएचओ ने फीता काटकर न्यूबॉर्न स्टेबिलाइजेशन यूनिट का शुभारंभ किया। पार्टी नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार को न्यूबॉर्न स्टेबिलाइजेशन यूनिट जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीमती अनिता सिंगारे द्वारा फीता काटकर शुभारंभ किया। अब आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में गंभीर रूप से बीमार नवजात शिशु को NBICU की सुविधा मिलेगी। पाटी क्षेत्र में अब नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी। जिले के पिछड़े विकास खंड पाटी में गरीब लोगों को नवजात शिशु की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता था, लेकिन यहां के गरीब लोग अपनी आर्थिक स्थिति के चलते जिला अस्पताल नहीं जा सकते थे, जिसके कारण नवजात शिशु की मृत्यु भी हो सकती थी। लेकिन अब शासन द्वारा पाटी में ही यह सुविधा उपलब्ध कराई गई। इसमें अधिकतर गंभीर रूप से बीमार रेफर होकर आने वाले नवजात शिशु को रखा जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में न्यूबॉर्न स्टेबिलाइजेशन यूनिट में डॉक्टर और प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ रहेगा और नवजात की स्थिति को स्टेबिलाइज करने के लिए 4 साधन मौजूद है। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का स्टाफ मौजूद रहा। यहाँ से अक्सर ऐसा होता था कि किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए डिलीवरी के समय तो बड़वानी भेजने में आधे घंटे का समय लग जाता था, और उस दौरान फिर आधे घंटे के बाद बच्चे को बचाने की उम्मीद कम हो जाती थी। तो इसलिए हमने आज पार्टी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इसे प्रारंभ किया गया है। जो भी बच्चे जन्म के तुरंत बाद ऐसे रहेंगे जिन्हें हमें न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर हमने 3 वार्नर रखे हैं और एक फोटोथेरापी यूनिट रखी है। इन 4 मशीनों की सहायता से हम नवजात शिशु को यहीं पर उपचार करने की अब हमारे पास में व्यवस्था होगी। RPTV न्यूज की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए और साथ ही RPTV की न्यूज की खबरों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।